चाहे जो करना है कर, तुम्हारा पति अब जेल में ही सड़ेगा। मैं अपनी कंप्लेंट वापस नहीं लूंगी। ये देखो इस अमीर औरत को, जिसके सर पे अमीरों का भूत चढ़ा हुआ है। ये क्या बकवास है? अब आपका असली चेहरा सबके फोन में दिखाई देगा। तो अगर आप चाहती है कि आपकी मम्मी का वीडियो और उनका चेहरा सबके फोन पे छाना जाए, तो आपने जो राघव जी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है उसे वापस ले लीजिए। पिछली सीरियल के एपिसोड में अब तक हमने देखा था कि भाई किस तरह से यहाँ पर दादी जी और सभी घर वाले मिलकर राघव के साथ साथ हमारी मिश्री को बेहद परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। और एपिसोड में हमें देखने को मिल रहा है कि भाई किस तरह से यहाँ पर दादी जी ने हमारी मिश्री के सामने एक बेहद बड़ी शर्त रखी है और कहती है कि अगर तू इस घर की बहू बनना चाहती है तो तुझे अपनी शुद्धिकरण करनी होगी। और एपिसोड में हम देख सकते हैं कि भाई किस तरह से दादी जी एक पानी में अपने पैरों को धोती हैं और वही गंदा पानी वो मिश्री को पीने के लिए कहती है। जी हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई ये बेहद अपमानजनक चीज है हमारी मिश्री के लिए। और इसी बीच यहाँ पर मिश्री को बेहद गुस्सा आ जाता है और उसने साफ साफ इनकार कर दिया है कि वो इस घर की बहू नहीं बनना चाहती और ना ही वो ये गंदे पानी को पिएगी। और इसी बीच मिश्री जो है वो दादी जी का मुंह तोड़ जवाब देगी और कहती है कि आप भी नंगे पांव जाती है मंदिर साफ करती है, इसका मतलब जो धूल मिट्टी आपके पैरों में लगती है उसकी वजह से आप अशुद्ध हो गई। और पार्वती जी जो है वो भी तो किचन में खाना बनाती है, मसाले लगते हैं हाथ में और तेल लगते हैं हाथ में, इसका मतलब तो वो भी अशुद्ध हुई। और यहाँ पर हमारी मिश्री जो है शुद्ध अशुद्ध का फर्क समझाते हुए नजर आ रही है दादी जी को, जिसकी वजह से यहाँ पर दादी जी बेहद गुस्से में आ जाती है। लेकिन भाई चित्रा ने हमारी मिश्री के खिलाफ एक बेहद बड़ी साजिश रच दी है। वो जानबूझकर मिश्री की सारी बातों को रिकॉर्ड कर लेती है और यहाँ पर बुआ जी मिश्री को ब्लैकमेल कर रही है और कह रही है कि अगर तुमने उस गंदे पानी को नहीं पिया तो ये सारी रिकॉर्डिंग मैं दादी जी को भेज दूंगी और ये बहुत बुरा हो जाएगा। और इस वजह से इस बार मिश्री जो है वो डर के मारे इस बार इस गंदे पानी को पीने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन आपको बता दूं कि जैसे ही मिश्री ये पानी पीने ही वाली होती है कि एन मोमेंट पर आकर राघव इस बार अपनी मिश्री को बचा लेता है। और इसी के साथ आपको बता दूं कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि भाई इन दोनों के बीच एक काफी रोमांटिक मोमेंट भी होने वाला है। जी हां, यहां पर मिश्री के मन में ये बात बैठ गई है कि दादी जी ने उसे अशुद्ध कहा और उन्होंने कहा कि उसके अंदर से बदबू आती है, जिसकी वजह से मिश्री जो है बिल्कुल परफ्यूम से नहाने लगती है। और यहां पर राघव उसे परफ्यूम लगाने का सही तरीका समझाते हुए नजर आता है, जहां पर दोनों के बीच काफी रोमांटिक सीन भी देखने को मिलता है। और इसी के साथ आपको बता दूं कि भाई आने वाले एपिसोड में बहुत जल्द यहाँ पर राघव होने वाला है सराखों के पीछे। तो आने वाले एपिसोड में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इस बार मिश्री अपने पति यानी राघव को बचा पाती है या नहीं।